नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। अनिल कपूर साहब, इनकी बीवी सुनीता इनके बिना ही हनीमून पे चली गई थी। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी हनीमून की और इनकी लव स्टोरी की। चलिए बताते हैं आपको। इन्हें बॉलीवुड का फन्ने खां कहें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन यही फन्ने खां साहब अपनी बीवी सुनीता के साथ अपने रिश्ते को लेकर एवरग्रीन कपल्स के लिस्ट में शुमार रहते हैं। जी हाँ, बेहद कम लोग जानते हैं कि अनिल और सुनीता की लव स्टोरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है। दरअसल रेस थ्री एक्टर ने हाल ही में अपनी लव स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने साझा किया। अनिल कपूर ने बताया कि उनकी और सुनीता की लव स्टोरी एक प्रैंक कॉल के जरिए शुरू हुई थी और उन्होंने कहा, मेरे एक दोस्त ने मुझे परेशान करने के लिए सुनीता को नंबर दे दिया था। उस वक्त जब मैंने पहली बार उनसे बात की तो मुझे उनकी आवाज से प्यार हो गया था। फिर जल्दी हमारी मुलाकात एक पार्टी में हुई, फिर हम दोनों के बीच बातें शुरू हुई और हम दोस्त बन गए। मैं दूसरों से उसके बारे में बातें किया करता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, क्या वो भी मुझे पसंद करती है। अनिल ने बताया कि कुछ ही समय के बाद हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हमने फिल्मों की तरह डेटिंग नहीं की थी। मैंने कभी भी सुनीता से गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं कहा था, हम दोनों एक दूसरे को समझते थे। अनिल बताते हैं कि किस तरह सुनीता ने उनका स्ट्रगल के दौरान साथ दिया। सुनीता एक बैंकर परिवार से ताल्लुक रखती थी और मैं उस वक्त बेकार था, लेकिन उससे इस बात को कोई परवाह नहीं थी कि मैं कौन हूँ और मेरा प्रोफेशन क्या है। हम दोनों ने करीब 10 साल एक दूसरे को डेट किया। सुनीता कई मुश्किल जगहों पर भी मेरी मदद किया करती थी, चाहे मोरल सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियल। अनिल कपूर को पहली फिल्म मेरी जंग का ब्रेक मिलने के बाद उन्होंने सुनीता को प्रपोज किया था। उन्होंने बताया कि मैंने उसे कॉल किया और कहा, चलो कल शादी कर लेते हैं, और अगले ही दिन हम लोगों ने शादी कर ली। मैं शूट के सिलसिले में 3 दिन के लिए बाहर था और मैडम मेरे बिना ही विदेश हनीमून के लिए चली गई थी, लेकिन सच कहूं तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझती है। हमने कई उतार चढ़ावों के बाद 3 बच्चों की परवरिश की और मुझे आज भी लगता है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अनिल कपूर साहब फिल्म फन्ने खां में नजर आने वाले हैं। 3 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन और राजकुमार राव लीड एक्टर्स की भूमिका में है, लेकिन फिलहाल अनिल कपूर साहब ने अपनी लव स्टोरी बताने के साथ साथ ये भी बताया कि उनकी बीवी यानी कि सुनीता उनके बिना ही हनीमून पर चली गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।